हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? अक्सर मैं आपके सामने संवेदक शिक्षक से जुड़े सवालों के जवाब लाता रहता हूं, उस पर भी वीडियो लाता हूं, और मुझे वाकई में बहुत खुशी हो रही कि संवेदक शिक्षक एग्जाम हो रहे हैं, यानी कि नियमित शिक्षकों की भर्ती हो रही है, जिसमें आपको पे स्केल बढ़कर मिल रही है और इससे जुड़े सवाल आपके आते रहते हैं, तो उन पर मैंने ये वीडियो बनाया है। तो मैं चलता हूँ पहले क्वेश्चन पर। तो सबसे पहले तो आपका तहे दिल से धन्यवाद कि आप मेरे वीडियो को इतना लाइक कर रहे हैं और इतना पसंद कर रहे हैं दोस्तों। तो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि सर वर्ग 2 और 3 के जॉब आने की कितनी संभावना है? यूट्यूब पर ऐसे वीडियो डले हैं जिसमें कहा जा रहा है कि वर्ग 2 और 3 की जगह अब नहीं आएंगे, इसके चलते पढ़ाई पर असर पड़ रहा है, पूजा जी ने पूछा है। और अक्सर ये अब कमेंट्स आ रहे हैं कि सर वर्ग 1 का तो निकल चुके हैं, एग्जाम होने वाले हैं, उनका डिसाइड हो गया, अब वर्ग 2 और 3 का क्या? तो दोस्तों आपने देखा होगा कि MP एजुकेशन पोर्टल पर जो आदेश जारी हुआ था वो तीनों वर्गों के लिए होता, वर्ग 1 वर्ग 2 वर्ग 3। इसके संदर्भ में वर्ग 1 की तो वैकेंसी आ गई है और अब इसके बाद वर्ग 2 और 3 का ही नंबर है, यानी उनके ही वैकेंसी आनी है। ये वैकेंसी इस मंथ में आ सकती है, ऐसी पूरी संभावना है और न्यूज़पेपर के हवाले से भी यही हमको पता चल रहा है। तो दोस्तों ये आ सकती है। अब मान लो 1% कि इस महीने नहीं आती है और आचार संहिता लग जाती है, तो फिर भी ये वैकेंसी तो निकलनी है क्योंकि आदेश जारी हो चुके हैं, तो थोड़ा डिले हो सकता है लेकिन ये वैकेंसी तो आएंगी। ऐसा नहीं है कि वर्ग 2 और 3 की भर्ती हो ही नहीं होगी, क्योंकि आपके सामने सबसे बड़ा उदाहरण है वर्ग 1 का, वर्ग 1 की भर्ती हो रही है। तो वर्ग 2 और 3 का जो नोटिफिकेशन है वो इसी मंथ यानी कि सितंबर में जारी हो सकता है, और सितंबर में भी अभी काफी समय है, तो इसमें आपको इस सप्ताह या अगले सप्ताह ये नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो तब तक आप आराम से पढ़ाई जारी रखें और जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपके सामने सूचना लेकर आऊंगा। तो पूरी संभावना है कि ये जारी होगा। और जहां तक इन्होंने कहा कि YouTube पर ऐसे वीडियो डले हुए हैं, तो बहुत से वीडियो डले रहते हैं, जैसे कि मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, कल हुआ ये कि मैं YouTube देख रहा था तो एक वीडियो मेरे सामने भी आ गया दोस्तों, और उस पर लिखा था कि वर्ग 1 के BEd वाले फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, एक नया आदेश जारी, ऐसा हुआ है। उसकी ऐसी एक ऊपर वो थंबनेल बना हुआ था, उस पर ये लिखा हुआ था। तो मैंने सोचा कि ऐसा नियम आ गया और मुझे मालूम भी नहीं पड़ा, और बहुत से फ्रेंड्स जो मेरे रेगुलर वीडियो देखते हैं वो कहेंगे कि सर आपने हमें बताया नहीं ये नियम आ गया, क्योंकि मुझे ही वो नियम पता नहीं कि BEd वाले वर्ग 1 का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो मैंने उस पर क्लिक किया तो अंदर जाकर वो वीडियो था, कोई 8-9 मिनट का था, और उसमें यही बताया गया कि जो रनिंग BEd वाले हैं वो फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, जबकि ये तो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसी टाइम मालूम पड़ गया था कि रनिंग वाले नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनमें कंपलसरी BEd कर दिया। तो मुझे ऐसा लगा, तो ऐसे वीडियो बना दिए जाते हैं जिसमें अच्छा वाला इंसान भी धोखा खा सकता है। उसमें ऊपर लिखा था कि BEd वाले अब फॉर्म नहीं भर पाएंगे वर्ग 1 का, ऐसे आदेश जारी हुए, अंदर यह निकला कि रनिंग वाले नहीं भर पाएंगे, तो ऐसा हो सकता है। तो आप अब मैं क्या कहूं, आप खुद ही समझदार हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मोहन जी ने पूछा है, सर 93% आरक्षण हो गया, वाह यार हमें पता ही नहीं, हमें तो जॉब मिलने से ही लगी आरक्षण वाले 0 नंबर लाकर भी सिलेक्ट हो जाते हैं। भैया ऐसा नहीं है, 0 नंबर वाले सिलेक्ट नहीं होते हैं, उन्हें भी 50% नंबर लाना है। अब कैसे जॉब लगेगी सर, जिनके नंबर अच्छे आए वो भी जॉब नहीं ले पाएंगे, आप बताएं सर क्या करें, क्या कर सकते हो, पढ़ाई ही कर सकते हो। खैर दोस्तों ये भ्रमित करने वाली बात होती है कि भैया 93% पर आरक्षण पहुंच चुका है और जोड़ जोड़ के 93 क्या 100% पे भी पहुंचा सकते हैं पहुंचाने वाले, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने एक वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा कि आरक्षण के ऊपर, और उसमें मैंने हवाला दिया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों का और हमारे सर्वोच्च जो संविधान है उसका, उसके आधार पर मैंने वीडियो बनाया था, आपके सामने सबूत या तथ्य भी रखे थे, और फिर मैंने आपको पूरा बताया था कि कितनी पोस्टें होती हैं और ये आरक्षण 93% पर कैसे पहुंचा दिया गया, उसका भी मैंने उसमें हवाला दिया था। ऐसा नहीं है 93% नहीं है, 50% से ऊपर आरक्षण नहीं जा सकता। अब कोई कहेंगे कि भैया राजपत्री जो आदेश उसे पढ़ के देखो, सब पढ़ लो, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऐसा है ही नहीं।
तो ये भ्रमित करने वाली बात होती है। अब इसमें एक उदाहरण दिया कि जीरो नंबर लाने वाले भी बैंक में सेलेक्ट हो गए हैं, वो भी गलत है। हुआ क्या दोस्तों, अब मैं इसका खुलासा कर देता हूँ आपको। ये न्यूज़पेपर में ही आई है और आप कहोगे तो मैं कटिंग भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। बहुत पुरानी खबर है, करीबन एक साल पुरानी है, लेकिन उसे बार बार कोट कर दी जाती है कि जीरो नंबर लाने से बैंक में सिलेक्शन हो गया। ऐसा हुआ था कि बैंक में आप जाओगे तो वहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो बटे होते हैं आपके रीजनिंग, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स, ऐसे वो बटे होते हैं और इनके कैटेगरी वाइज आपको नंबर लाने होते हैं पासिंग मार्क, जो अभी नियम है। यानी कि आप मैथमेटिक्स में तो वहाँ की कट ऑफ लिस्ट मान लो 12 तक गई है, 40 क्वेश्चन आने हैं और 12 तक गई है। अब 12 से नीचे जो मैथ में लाएंगे ना तो वो फेल माने जाते हैं उसमें, और जो 12 से ऊपर लाते हैं वो पास, माने कैटेगरी वाइज बांट दिए गए। कंप्यूटर का अलग है, जो अलग है, और वो होता है एक ही पेपर लेकिन बांट दिए गए। तो उसमें क्या रहता है कि आपको हर एक सब्जेक्ट में जो उसमें कैटेगरी बांटी गई है या जहाँ तक कट ऑफ गई है वहाँ तक आपको नंबर लाने होते हैं। पहले ऐसा नहीं था, जैसे आप संविदा में जो एग्जाम हो रहा है उसमें ऐसा नहीं है, आपकी 150 में से आपको 75 लाने हैं। अब उसमें ऐसा तो है नहीं है कि मैथ में आपको इतने नंबर लाने हैं, मैथ के 7 क्वेश्चन आएंगे तो 7 में से आपको 4 नंबर कंपलसरी है लाना। मान लो मैथ में आपके 0 आ गए, 50 नंबर का आपका अलग पेपर होना है और 100 नंबर आपका सब्जेक्ट का होना है। अब मान लो आप मैथ में 0 ले आए लेकिन आप इंग्लिश में बहुत अच्छे ले आए, और सब्जेक्ट हैं उनमें बहुत अच्छे ले आए, आप पेडोगोजी है उसमें बहुत अच्छे नंबर ले आए, तो वो ये नहीं देखेंगे कि मैथ में बंदे की 0 आ गए हैं, तार्किक में 0 आ गए हैं तो ये फेल हो गया, ऐसा नहीं होगा। वो सब मिला के आपको 75 नंबर लाने हैं आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो, और 50 नंबर का जो है वो, दोनों के 150 नंबर में से 75 लाने हैं और जो आरक्षण प्राप्त नहीं 90 लाने हैं, तो वो उसमें पास हो जाते हैं। तो उस वक्त भी ऐसा ही था बैंक में कि ये प्रणाली लागू नहीं थी कि कैटेगरी वाइज आपको इतने नंबर लाने हैं, मैथ में इतने लाने हैं, रीजनिंग में इतने लाने हैं, कंप्यूटर में इतने लाने। तो जो वो भाई थे जिनका सिलेक्शन हुआ था, दो लोग थे वो, तो उनका क्या हुआ था कि वो हिंदी मीडियम थे तो हिंदी मीडियम वालों की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती है, और इसमें सिलेक्शन होना था 200 का एग्जाम था और 200 में से आप कितने नंबर ला सकते हैं उस हिसाब से उसमें सिलेक्ट होना था बैंकिंग में। तो सिलेक्शन कैसे होना था दोस्तों, उसमें माइनस मार्किंग भी थी कि 200 में से जिनके अच्छे नंबर आ जाए उनके सिलेक्ट हो जाएंगे, बाकी की उन्हें बांटा नहीं था कैटेगरी में कि मैथ में इतने लाने हैं, रीजनिंग में इतने लाने हैं, इंग्लिश में इतने लाने हैं, कंप्यूटर में, ऐसा नहीं बांटा था, पूरा 200 नंबर का था। जैसा कि हम एग्जाम्पल ले रहे हैं संविदा शिक्षक, ऐसा ही उनका था जब तक नियम नहीं बने। तो उन भाइयों का क्या हुआ कि हिंदी मीडियम से इंग्लिश कमजोर थी, इंग्लिश में आ गए उनके 0, और जबकि उनके मैथमेटिक्स में बहुत हाई नंबर आ गए थे, कंप्यूटर में बहुत हाई नंबर आ गए थे, जीके में बहुत हाई नंबर आ गए थे, इन सब में वो बहुत हाई नंबर ले गए थे, लेकिन उनका जो इंग्लिश थी वो कमजोर थी तो उसमें 0 नंबर आए थे। मैथ में उनके बहुत अच्छे नंबर आए, मैथमेटिक्स ही चलता है पूरा अपना बैंकिंग, तो उसमें वो अच्छा नहीं कर पाए, 0 नंबर आ गए। वहां से लोगों ने क्या लिया कि पहले ये देखा कि ये आरक्षण वाले हैं, ठीक है, आरक्षण में ही मिलता ही सभी को, और फिर वहां से वो 0 की पकड़ ली डेफिनेशन कि इंग्लिश में 0 आए तो 0 नंबर वाले सिलेक्ट हो गए। ऐसा नहीं है, उनके पूरे आप देखो तो सही, मैथ में उनके नंबर देखो, रीजनिंग में नंबर देखो, जीके में नंबर देखो, कंप्यूटर में नंबर देखो, जनरल के नंबर है उनके बराबरी पे आए थे, सिर्फ हिंदी मीडियम से थे, इंग्लिश थोड़ी कमजोर थी, माइनस मार्किंग थी, तो उन्होंने जो प्रश्न हल किए वो सही नहीं निकले तो वहां पर उनकी 0 आ गई। अब क्या है कि ये सिस्टम लागू कर दिया है कि हर एक कैटेगरी में आपके इतने नंबर तो आने चाहिए तभी पास माने जाओगे, उस टाइम नहीं था। अब जैसे संविदा में नहीं है, आगे चल के यदि लागू कर दिया गया तो आप कहो कि उस टाइम पर जो एग्जाम हुए थे साहब उसमें मैथमेटिक्स में इंसान के 0 आए थे फिर भी वो टीचर बन गया, तो ऐसा नहीं है, उसके पूरे ऑल सब्जेक्ट देखे जाते हैं। जैसे इसमें आपकी रैंकिंग बनेगी 150 में से आप कितने नंबर लाते हैं। अब मैथ में यदि मान लो जो नंबर 1 का जो होगा हमारा, उसमें मान लो कोई मैथमेटिक्स में कमजोर है, वो 7 प्रश्न आने हैं तार्किक और मैथ की, उसकी 0 आ गई, लेकिन और सब्जेक्ट उसके अच्छे हैं, वो मिला के कुल मिला के 150 में से 120 ले आया, उसका सिलेक्शन हो गया। अब आप वो बात पकड़ लो कि मैथमेटिक्स में से तो साहब इसके 0 आए हैं, फिर इसका सिलेक्शन कैसे हो गया, तो उसका ओवरऑल तो देखो। तो ये भ्रम फैलाने वाली बात होती है, इन्हें
या तो डिटेल्स में, और इसमें मारे वो जाते हैं जो इनोसेंट है, वो इस पर यकीन कर लेते हैं कि साहब जीरो नंबर आए उनका सिलेक्शन हो गया। ऐसा नहीं है दोस्तों, और इसमें भी आप कहिए कि 50% उन्हें लाने हैं जिन्हें आरक्षण प्राप्त है, और आपको 60% लाने हैं, 10% का अंतर है। आरक्षण भी 50% से ज़्यादा नहीं जाता, 93 तक पहुँचा दिया, और हो सकता है कुछ दिनों में 100% तक भी पहुँचा दें, तो ऐसा भी नहीं। तो आप संविधान पढ़ लें, मैंने जो पिछला वीडियो डाला उसे देख लें, और उसमें आपको कुछ लगे कि सर ये वीडियो आपने डाला ये तर्क गलत दिया, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, तो मैं भी सुधार करने की कोशिश करूंगा। लेकिन कोई मैंने तर्क गलत नहीं दिया है, और मैंने ऑफिशियल वेबसाइट का पता भी दिया है, तो उस पर डले हुए हैं, आप देख सकते हैं, तो ऐसा हो जाता है। खैर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सर रनिंग वालों को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सारिका जी ने पूछा। मेरे हिसाब से तो मिलना चाहिए, क्योंकि 2011 की हम बात कर रहे हैं सारिका जी, तो उसमें पहले ये कहा गया था कि जो बीएड डीएड है वही फॉर्म फिल करेंगे, और फिर बाद में कह दिया गया कि जो अनट्रेंड टीचर है वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो नियम बदलते हैं। तो जो रनिंग उम्मीदवार है उनके लिए मेरे हिसाब से नियम बदलेंगे, अभी 25 तक तो यह फॉर्म फिल हो रहा है, फिर उसके बाद हो सकता है नियम बदल दिए जाए और रनिंग वालों को भी मौका दिया जाए, क्योंकि आपकी पोस्टिंग होती है उसमें करीबन 1 से लेकर 1.5 साल या 2 साल लग जाते हैं। उस टाइम में सभी जो डीएलएड वाले लास्ट ईयर में या फर्स्ट ईयर में या बीएड वाले हैं उनका हो जाता है, तो नियम हो सकता है बदल जाए। लेकिन हाल की स्थिति में तो नियम यही है कि जो बीएड वाले हैं वही फॉर्म फिल कर सकते हैं, और वर्ग 2 और 3 में भी यही बताया जा रहा है कि जो डीएलएड है या बीएड है वही फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो अभी तो नियम यही है, लेकिन बदलने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो था आपके क्वेश्चन लेकर, थोड़ा मैं आरक्षण पर ज़्यादा बोल गया, तो जिनको बुरा लगा हो मेरा मकसद उनकी भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था, मेरा मकसद जो सच्चाई है वो आप सबके सामने रखो, उस सच्चाई को एक अलग रूप से प्रस्तुत करते हो तो लोग भ्रमित हो जाते हैं, और फिर उन्हें ऐसे लगने लगता है कि हमारे जो सामान्य या जनरल सीटें हैं उन पर हम कितने भी अच्छे नंबर लाएं, हम 100 में से 100 लाएं तब भी हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, जबकि ऐसा है नहीं। सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, यदि आप 70% नंबर भी गेन करते देते हैं तो सिलेक्शन आराम से हो जाता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, इतने नंबर तो आप ला सकते हैं। मैंने ये देखा है कि जितने भी मेरे चैनल से जुड़े हैं और जिन्होंने डीएलएड किया था अभी उनके एग्जाम आए, तो सभी के 70% से हाई नंबर ही आए, किसी कम नहीं आए, तो इसमें भी ले आओगे, ऐसे ही सब पढ़ने ही वाले हैं। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे चैनल पर इतना कुछ कन्फ्यूजन है नहीं है, जो है वो पढ़ने वाले हैं, मेहनत करने वाले हैं, ना तो उन्हें आरक्षण से मतलब है, मैं अपने व्यूवर्स की बात कर रहा हूँ जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, ना तो उन्हें आरक्षण से मतलब है, ना कहीं से, मैं उन्हें बता देता हूँ कि ये बुक्स हैं, आप मेरे फेसबुक पेज अतुल कुमार शर्मा 09 पर डली हुई हैं, यानी आपको टाइप करना है @AtulKumarSharma09, उससे आप ये मंगा सकते हैं, वो बुक्स भी मंगा रहे हैं, आराम से तैयारी कर रहे हैं, और उन्हें नौकरी भी आराम से ही मिल जाएगी, क्योंकि वो भटक नहीं रहे, और जो भटका रहे हैं और कहीं भटक रहे हैं तो फिर उनके साथ ये बुरा ही हो जाता है, क्योंकि फिर उस चक्कर में वो पढ़ाई नहीं कर पाते। तो दोस्तों पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, ये तो भटकाव है कि इतना आरक्षण हो गया, इतना जे हो गया, और इसमें भटकाव भी लोग पैदा करते रहते हैं, क्यों करते हैं, उन्हें इससे क्या लाभ मिलता है, कोई मुझे तो कुछ पता नहीं। लेकिन अब जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो हो सकता है कि बहुत से लोग 93% पे ही अड़े हों कि नहीं सर 93% है, आपने कैसे कहा 50% है, तो उसका कोई सलूशन नहीं है, उसका मैं तथ्यों के आधार पर दे सकता हूँ जवाब, जो मैंने अपनी एक वीडियो में दे रखा है, आप आरक्षण के ऊपर वो बना हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, किसी के मन को ठेस पहुँची हो तो वो मेरा मकसद नहीं था, और आपको ये पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट्स करें, और जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें यार। तो आपने ये चैनल यहाँ तक देखा वीडियो, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद।